तो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आइडियल यूट्यूबर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉर्म ऑनलाइन का बताएंगे कि कैसे आपको बिहार आयुष का फॉर्म ऑनलाइन जो है वो स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करना है। आपको फॉर्म भरते समय कोई गलती नहीं करनी है। अगर आप कोई ऐसी गलती कर देते हैं जिसके कारण आपका सिलेक्शन नहीं होगा अच्छे नंबर होने के बावजूद भी, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। उसके बाद आप खुद से भी फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं। जिस भी बच्चे को काउंसलिंग के बारे में कोई आइडिया नहीं है तो हमारे एक्सपर्ट टीम का कॉन्टैक्ट डिटेल वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फॉर्म ऑनलाइन और काउंसलिंग के लिए। और कट ऑफ के ऊपर मैंने वीडियोज जो है वो बना दिए हैं और एक दो वीडियोज जो है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, कट ऑफ से रिलेटेड, ओपनिंग क्लोजिंग रैंक से रिलेटेड मैं वीडियोज बना दूंगा। आप लोगों को उस वीडियो को देखने के बाद अंदाजा पता चल जाएगा कि कितने रैंक तक आपका एडमिशन जो है वो हो सकता है। और एक चीज और, अगर आप ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सावधान रहना है, क्योंकि पिछले बार क्या हुआ था कि बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनका स्कोर बहुत अच्छा था, 570 575 वाले बच्चों को क्या किया गया था कि ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट करके बिहार में आए थे तो उनको बिहार में नॉट एलिजिबल कर दिया गया था। तो इन सब चीजों को आपको ध्यान में रखना है और रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हुए आपको काउंसलिंग करवानी है। रूल रेगुलेशन पर पूरा वीडियो जो है बहुत जल्द हमारे यूट्यूब चैनल पर आ जाएगा। अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो जाकर के जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर सारा इंफॉर्मेशन जो है काउंसलिंग रिलेटेड आप सबको मिलता रहेगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फॉर्म ऑनलाइन करने के लिए BCEC के ऑफिशियल वेबसाइट पर आके आपको क्लिक करना होगा आयुष काउंसलिंग वाले लिंक पर। देन आपको यहां से न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर जाना होगा। अगर आप फॉर्म ऑनलाइन कर रहे हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे। अगर आपने फॉर्म ऑनलाइन के लिए रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो अपने ईमेल आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करेंगे। देन आपको नीट का रोल नंबर डालना होगा। रोल नंबर डालने के बाद आपको वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो चलिए मैं अपना जो रोल नंबर है स्टूडेंट का उसको इंटर कर लेता हूँ। आपको ये सारी चीज़ें नीट के स्कोर कार्ड, नीट के एडमिट कार्ड पर मिल जाएगा। देन वेरीफाई के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ जो है उसको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद नीट का जो एप्लीकेशन नंबर है वो डालना होगा और एग्ज़ाम सेंटर कोड, ठीक है बच्चों, जहाँ जिस एग्ज़ाम सेंटर पर आपका एग्जाम पड़ा था उसका सेंटर कोड होगा आपके एडमिट कार्ड पर, उसको डालेंगे, इंटर करेंगे। उसके बाद ही आपका पूरा डिटेल जो है वो आएगा, ऑटोमेटिक आपका सारा डिटेल आ जाएगा। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो है वो वेरीफाई करना होगा, ठीक है बच्चों। आप अपना डिटेल मैच कर लें, उसके बाद अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के बाद पासवर्ड क्रिएट करेंगे। पासवर्ड आपको अपने क्रिएट करना है कि फर्स्ट लेटर कैपिटल रखना है, उसके बाद स्मॉल, एक स्पेशल कैरेक्टर और कुछ नंबर्स रखने हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, सारा डिटेल जो मैच हो जाएगा उसके बाद आप नेक्स्ट के प्रोसेस में बढ़ेंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद आप अपना सारा जो फिलअप है उसको करेंगे। आपका डोमिसाइल बिहार होना चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, आपके बॉडी पर कोई मार्क्स है उसको इंटर करना होगा। डिस्ट्रिक्ट नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट पासिंग, 12th लास्ट पासिंग इंस्टीट्यूट किस डिस्ट्रिक्ट में था वो आपको इंटर करना होगा। उसके बाद आपको अपना एड्रेस इंटर करना है। अगर आपका परमानेंट और कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस दोनों सेम है तो सेम एज परमानेंट एड्रेस पर क्लिक करना होगा। अगर आपका होम का एड्रेस कोई और है और कॉरेस्पोंडेंट एड्रेस मतलब कि आप जो यहाँ रह रहे हैं वो दोनों अलग है तो आप उसको दोनों को अलग अलग भी डाल सकते हैं, नहीं तो आपको सेम करके सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा बच्चों। उसके बाद आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटो सिग्नेचर तभी अपलोड होगा जब आप फोटो का साइज जो है 250 पिक्सल से 200 पिक्सल में रखेंगे और जो 100 KB से नीचे होना चाहिए फोटो, उसका सिग्नेचर जो है 300 पिक्सल × 100 पिक्सल में आपको रखना पड़ेगा और साइज 100 KB के अंदर होना चाहिए। उसके बाद एडुकेशन इंफॉर्मेशन जो है नेक्स्ट करने के बाद आपको फिलअप करना है। 10th का कॉलेज नेम, यूनिवर्सिटी नेम, पासिंग ईयर, परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगा कितने में टोटल मार्क्स कितना था और कितना आपने ऑब्टेन किया है। जैसे ही परसेंटेज पर क्लिक करेंगे तो परसेंटेज ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। 12th के लिए आपको क्या करना होगा, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और जो बायोलॉजी है उसमें 100 में कितना नंबर आया है सिर्फ उसको इंटर करेंगे। देन परसेंटेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपका ऑटोमेटिक परसेंटेज जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। इसमें सिर्फ 4 जो कोर्सेस हैं, 4 जो सब्जेक्ट है उसका ही परसेंटेज कैलकुलेट
कंप्लीट होगा देन सबमिट एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने जो फॉर्म फिल किया है उसको एक बार चेक कर लेना है कहीं कोई गलती तो नहीं है। अगर सबमिट करने के बाद गलती रह जाती है तो आपको एडिट करने का एक मौका जो है फॉर्म ऑनलाइन के बाद मिलेगा। पेमेंट करने के लिए आई क्लियरिफाई के ऑप्शन पर क्लिक करना है, पेमेंट टू प्रोसीड के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अगर आप जनरल EWS BC कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आपको 1200 जो है वो पेमेंट करना होगा, SC ST डिसेबल कोटा के लिए 600 है। पेमेंट करने के बाद आपको हार्ड कॉपी पार्ट ए पार्ट बी जो है वो डाउनलोड कर लेना है। ये जो कन्फर्मेशन पेज है आपका, जब काउंसलिंग में सीट अलॉट हो जाएगा उसके बाद ये इसकी ज़रूरत पड़ेगी, आपको इसको प्रिंट निकलवा करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर पर जो है वो जाना पड़ेगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट रहता है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। जो भी अब बच्चे हमारे एक्सपर्ट से काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे एक्सपर्ट से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।